the new prime minister, but as we've said before, we value our long-standing partnership with Pakistan and have always viewed a strong, prosperous, and democratic Pakistan as critical to United States-Pakistan interests, and our engagement with new Prime Minister Shehbaz Sharif and his government will continue to focus on advancing these shared interests. Her selection as chief minister is a milestone in Pakistani politics. अमेरिका नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने के लिए रजामंद। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाएंगे। मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान दुनिया और अमेरिका के मफाद में है। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात एतमाद पर मबनी है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मरियम नवाज की बतौर वजीर आला पंजाब तकर्री पाकिस्तानी सियासत में संगे मील है। खवातीन के लिए ऐसे अहम फैसलों से अमरीका हमेशा खुश होता है। खवातीन को सियासी जिंदगी में मुकम्मल शामिल करने के लिए मुंतजर है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, शहबाज शरीफ को वजीर आजम का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। गवादर में बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना करेंगे, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे और मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान भी करेंगे। अहम शख्सियात से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा गवादर जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से मजीद बारिशें होंगी। बलूचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। गवादर में बारिश जारी, सूबे के 16 अजला मुतासर होने का इम्कान। हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश की पेश हुई। दीर, चित्राल, कोहिस्तान, बटग्राम, मानसहरा, एबटाबाद में बारिश मुतवक्के। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशस्तों से महरूम। मखसूस नशस्तों के लिए दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से महफूज फैसला सुना दिया। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। मखसूस सीटें दीगर जमातों को अलॉट की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन पंजाब के मेंबर बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट लिखा। कहा, फैसले से जुज़्वी इख्तलाफ करता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बरवक्त तरजीही फहरिस्त से जमा नहीं करवाई। आइन में तरमीम होने तक ये खाली नशस्तें किसी को अलॉट ना की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह अनाउंस किया कि ये हम आपको नहीं दे रहे। उन्होंने शायद उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को देने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी और गैर जमहूरी है। हमें मखसूस नशस्तों के हक से महरूम कर दिया गया। बैरिस्टर अली जफर का रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान से मुस्ताफी होने। सदारती इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने का भी मुतालबा। कहा, दूसरी जमातों को सीटें देने का मतलब आईनी गलती होगा। सदर मुमलिकत कौन बनेगा, आसिफ जरदारी या महमूद खान अचकसई? इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरस्त आज जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने महमूद खान अचकसई के कागजात नामजदगी पर एतराज आयद करके फैसला महफूज कर रखा। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने वजरा की फहरस्त तैयार कर ली। तैमूर झगड़ा, आकिब उल्ला, मीना खान आफरीदी, कासिम अली शाह, फजल शकूर खान, मियाँ खलीक उर रहमान, शफी उल्ला, शकील खान, डॉक्टर अमजद अली, फजल हकीम, रियाज खान, ताज मोहम्मद, अरशद अयूब, जाहिर शातूर, फैसल तरकई, अब्दुल करीम, जाहिदुल्ला वजीर, आफ्ताब आलम एडवोकेट और आरिफ अहमद सई के नाम फाइनल। हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर को अमली जामा पहनाने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत। डाउन पेमेंट और महाना किस्त कम से कम रखने पर जोर। कहा, पंजाब में कम आमदन वाले बेघर अफराद को घर दिए जाएंगे। गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा जरूर पूरा करेंगे। शेख रशीद की ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर दिया। सेक्रेटरी ECL को भी जाती हैसियत पर बुला लिया। केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी।
चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर एतराज बरकरार, लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दी। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनाती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज, दरख्वास्त काबिले समाअत होने पर फैसला महफूज, आप क्यों कह रहे हैं कि तैनाती गलत हुई है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा आईन के मुताबिक मुंतखब और निगरा वजीर आजम में फर्क है, निगरा वजीर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैट्रन इन चीफ नहीं हो सकते। चीन से जरई साजो सामान की बड़ी खेप खुंजरात के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत मुल्क में निजाम आबपाशी में जिद्दत आएगी, जदीद टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान में सनअतकारी के निजाम में भी बेहतरी आएगी। पंजाब में रमजान निगेबान पैकेज की तकसीम शुरू, म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने घर घर जाके मुस्तहकीन में राशन तकसीम किया, हर थैले में चीनी, बेसन, चावल, घी और आटा शामिल। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रंप सदारती इंतखाबात के लिए अहल करार, मुतफिका तौर पर कोलोराडो अदालत का फैसला मुस्तरद, कहा रियासतों की सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकती कि कोई सदारती उम्मीदवार ना अहल है, अगर कोई बगावत मुलव्वस हो भी तो उसे वफाकी दफ्तर या ऐवान सदर के लिए ना अहल करार देने वाले शिक नाफिज की जाए। फैसले का इतलाक अमरीका की तमाम रियासतों पर होगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमरीका की जीत करार दे दिया, कहा जो बाइडेन अपनी लड़ाई खुद लड़े, प्रोसिक्यूटर्स और जजेस को इस्तेमाल करके अपने हरीफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। रमजान में मनासिक के आसान अदायगी मताफ उमरा जायरीन के लिए मुख्तस, हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने रमजान मुबारक के लिए मंसूबे का ऐलान कर दिया। रमजान मुबारक में सिर्फ तवाफ करने वाले जायरीन बलाई मंजिलों से खाने काबे का तवाफ कर सकते हैं।